जी नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार सभी बच्चों का एजुकेटर्स प्लस परिवार में, और मैं हूं सचिन। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, क्लास की शुरुआत करते हैं। शिव कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग प्रवीण जी, राम सेवक जी, मंजीत जी, सभी को वेरी गुड इवनिंग। पूर्णिमा जी, शेखर जी, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग प्रणाम। मेघा जी, कमलेश जी, अहमद जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बेटा राजश्री जी, सभी को गुड इवनिंग। अपना अर्जुन जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल बेटा आपके सामने है, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारत सरकार की संघीय संरचना आपको देखने को मिलती है दो स्तरीय प्रणाली में, तीन स्तरीय प्रणाली में, चार स्तरीय प्रणाली में, और इनमें से कोई भी नहीं। यहां पर बात हो रही है फेडरल स्ट्रक्चर की। किसकी बात हो रही है? फेडरल स्ट्रक्चर, भारत की संघीय संरचना। आपको याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि भारत के अंदर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय संरचना है, ये हमने कहां से लिए बेटा? ये हमने मुख्य रूप से कनाडा से लिए। कनाडा से हमने जो प्रावधान लिया है, उस प्रावधान में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रावधान में हमने सेंटर की जो भूमिका है वो मजबूत रखी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर विद फेडरेशन। भारत के अंदर संघीय संरचना देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर सेंटर मजबूत है, केंद्र मजबूत है। इसीलिए कई बार हम आपके जो संविधान है इसका जब फीचर की बात करते हैं तो उसको क्वासी फेडरल इन नेचर भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कई ऐसे मसले हैं जहां पर सेंटर पावरफुल है। राष्ट्रीय आपातकाल लगते समय सेंटर आपकी मजबूत हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। भारत के संविधान में ऐसे कई आपको चीजें देखने को मिलेंगी जहां आपको यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, एकल प्रणाली मजबूत देखने को मिलेगी। जैसे कि नागरिकता को ले लो, सिटीजनशिप को ले लो, देश की एक नागरिकता है, हर राज्य की नागरिकता नहीं है। जैसे कि अमेरिका में आप देखोगे आपको डिफरेंट स्टेज पर जो है नागरिकता देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके से। जैसे अमेरिका में 50 स्टेट है तो वहां आपको सिस्टम अलग मिलेगा, भारत में अलग है। भारत में सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है, संघीय संरचना है और ये जरूरी भी है किसी देश के लिए। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 2 टायर 3 टायर 4 टायर। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है 3 स्तरीय प्रणाली, केंद्र के स्तर पर भी, राज्य के स्तर पर भी, और आपके स्थानीय स्तर पर भी। अगर आप देखें तो तीनों स्तर पर सरकार देखने को मिल रही है। यहां पॉलिटिकल जो पावर है, राजनीतिक शक्ति जो है, उसका बंटवारा आपको देखने को मिलेगा केंद्र और राज्य के बीच में। और त्रिस्तरीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी भी देखने को मिलती है। इसलिए जो सही जवाब है वो है ट्राई स्ट्रक्चर, 3 स्तरीय। क्लियर है बात? कोई भी दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट्स को हो तो बता देना। ऑल डन, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है, यहां पर कुछ मॉडल्स दिए गए हैं और यहां पर आपके 5 ईयर प्लान्स दिए गए हैं। आपको फटाफट चेक करना है कौन सा मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, कौन सा मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। और पंचवर्षीय योजना बहुत ही व्यापक है, यहां सवाल आपके कहीं ना कहीं से बन जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर पहला है राव और मनमोहन मॉडल, पीसी मेलानोविस मॉडल और हरोल्ड डोमर मॉडल। याद रखना जब भी पंचवर्षीय योजनाएं आप पढ़ें तो इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं और 12वीं, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1ली 2री 3री, इनसे सामान्यतः सवाल आपके बन जाते हैं, इनसे सामान्यतः आपके सवाल बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, 1ली 2री 3री, इसके बाद आपकी जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना, और एक बीच में 5वीं जो प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम दिए गए थे 1975 में, उसकी बात कर रहा हूं। इसके बाद लास्ट में 11वीं और 12वीं, इससे सवाल अक्सर आपके बनते हैं। तो याद रखना पहली जो पंचवर्षीय योजना है इस पर हमने फोकस किस पर किया था, कृषि पर किया था, एग्रीकल्चर पर किया था। यह पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल से प्रभावित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इस पर हमने फोकस उद्योगों पे किया था, इंडस्ट्री पर किया था। और यह पंचवर्षीय योजना आपकी किस पर आधारित है, मेलानोविस मॉडल पर आधारित है। क्लियर है बात?
इसके बाद राव मनमोहन मॉडल, ये आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना है। खासकर ये पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चलती है और ये वही समय है जब देश के अंदर नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को जो है कार्यान्वित किया जा रहा था। उसमें नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इश्यू हो तो बेटा बता दें। ऑल डन, यहां तक क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, इसमें जो मैचिंग का सवाल पूछा गया था, इसमें क्या पूछा था, इसमें सही सुमेलित कौन सा है? तो इसमें सही सुमेलित पहला वाला था, है ना? तो दिस इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रणाम बेटा, सभी को प्रणाम, सभी को वेरी गुड इवनिंग बेटा। कोई बात नहीं सुजीत जी, कोई बात नहीं संजय जी, गुड इवनिंग। चलिए कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। ऑल डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी। सीडीपी की बात हो रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा यहां देखने को नहीं मिलता है? शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर में सुधार करना, योजना बनाने में विलेजेस की मदद करना यानी कि गांव को हेल्प करना, गांव का डेवलपमेंट करना भी कह सकते हो, योजना बनाने में मेट्रो शहरों की मदद करना। बताएं क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल अभिषेक जी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है बेटा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फटाफट बताएं बेटा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताएं। ध्यान रखना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी की अगर बात की जाए तो ये आपका प्रोग्राम आपका 1952 में शुरू होता है, 1952 अक्टूबर 1952 में शुरू होता है। और इसका जो मुख्य जो फोकस होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास। इसका जो मुख्य फोकस होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास। और मैं आपको बता दूं, इसी से जुड़ा हुआ सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही जुड़ी हुई आपकी एक समिति है जिसको हर बच्चा जानता है, बीआर मेहता समिति। सभी जानते हैं बीआर मेहता, यानी कि हर बच्चा जो पॉलिटी पढ़ता है वो बीआर मेहता का नाम जरूर जानता है। और बीआर मेहता जिन्होंने पंचायती राज के अंदर तीन स्तरीय, याद होगा बेटा, तीन स्तर पर यानी कि ट्राई स्ट्रक्चर की बात की थी, तीन स्तरीय प्रणाली की बात की थी, जिसमें एक आपका ग्राम स्तर पर रहेगा, ग्राम पंचायत की बात हुई थी, जनपद पंचायत की बात हुई थी और जिला पंचायत की बात हुई थी। याद रखना, जहां पर जनपद पंचायत हो, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है जनपद पंचायत, ये जो जनपद पंचायत का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब ऐसे कई राज्यों में हम लोग जनपद को जिला भी कहते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ब्लॉक की बात हो रही है, जनपद का मतलब मुख्य रूप से ब्लॉक की बात हो रही है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीन आपका सही जवाब होगा। और ये जो बी आर मेहता की समिति थी ये 1957 की थी, 1957। क्लियर है बात? इसमें मेट्रो सिटी नहीं आएगा बेटा, मेट्रो सिटी नहीं आएगा, ये ग्रामीण की बात हो रही है बेटा, ये ग्रामीण की बात हो रही है बेटा, रूरल एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना। किसकी बात हो रही है? रूरल एरिया, ग्रामीण विकास की बात हो रही है। क्लियर है बात? ऑल डन, बढ़े आगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका, दैट इज विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की राशि होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है ये, इसमें कई चीजें आपकी क्लियर होंगी एक सवाल के अंदर। नोट पूछा है, एक मिनट रुको। ओके, नॉट पूछा बेटा, ध्यान रखना, नॉट पूछा है तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नॉट पूछा बेटा, उसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, एकदम ठीक है, यहां पर नॉट पूछा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फटाफट आ जाओ बेटा, नॉट पूछा था इसमें, ध्यान रखना, ये दो बार आ गया था क्या?
ध्यान रखना बेटा, इसमें नॉट पूछा था, ठीक है? दिस वॉच नॉट, नॉट पूछा था, याद रखना, ठीक है? गांव, गांव इसमें आ जाएगा, जीवन स्तर का सुधार आ जाएगा, सार्वजनिक सुविधाएं आ जाएंगी, लेकिन यहां पर मेट्रो सिटी वाला ये नहीं आएगा, क्योंकि नॉट पूछा था, इसलिए वो सही जवाब होगा। ये 2 टाइम्स बेटा आपका आ गया है सवाल, तो इस पर टेंशन मत लेना, एक ही चीज है। चलिए, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात हो रही है बेटा, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात हो रही है, जल्दी से बताएं, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की बात हो रही है। तो यहां पर WTO से संबंधित आपने कुछ बॉक्स पढ़े होंगे, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ बॉक्स पढ़े होंगे, अगर आपको याद है। विश्व व्यापार संगठन के मुख्य रूप से 3 बॉक्स इसमें आप पढ़ते हैं, खासकर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि पर समझौता। कृषि पर समझौता ये एक तरीके से मान के चलो विश्व स्तर पर विश्व व्यापार संगठन इसको कार्यान्वित करता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से 3 बॉक्स की बात होती है, जिसमें एक आपका ग्रीन बॉक्स है, एक एम्बर बॉक्स होता है और एक ब्लू बॉक्स होता है। जहां पर ग्रीन बॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो ग्रीन बॉक्स के अंदर ध्यान रखना, वो सभी सब्सिडी अलाउड होती हैं, जो सब्सिडी पर्यावरण से संबंधित हो, जो एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं कुछ बेहतर सुधार के लिए हो, ना कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है कृषि में, तो वो आप सब्सिडी दे सकते हो। किसानों का अगर सम्मान करना है, किसानों का सम्मान करना है, तो भी आप इसमें सब्सिडी दे सकते हो, ये भी अलाउड है। और आपका जो है किसी भी तरीके का एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे पर्यावरण बेहतर हो, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की जो लैंड है, यानी कि जो सॉइल है, उसको आप और बेहतर कर पाए, रिफॉर्म कर पाए, ये सब अलाउड है। लेकिन वो अलाउड नहीं होता है जिससे कि एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़े, क्योंकि ये माना जाता है कि अधिक सरकार अगर सब्सिडी दे देगी तो एग्रीकल्चर का उत्पादन बढ़ जाएगा, और उससे दिक्कत उन गरीब देशों को होगी जिनके पास उतने संसाधन नहीं है, उतनी सब्सिडी देने को पैसा नहीं है, वो बेचारे हाशिए पे चले जाएंगे। और अमेरिका सरीके देश अपने किसानों को हाई सब्सिडी देकर यहां पर उत्पादन बंपर होगा, और इससे पूरी दुनिया में उन्हीं का अनाज दिखाई पड़ेगा, और इससे कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई जो है वो क्लैश होगी, राइट, वो असंतुलन होगा वहां। इसलिए यहां पर जो है जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। एग्रीकल्चर रिसर्च में दे सकते हो पैसा, और पर्यावरण के प्रोटेक्शन में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खासकर एक चीज याद रखना, क्योंकि आपके जो GS पे सवाल आता है उसमें कई बार सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन कब बना। तो बच्चा ये बना है 1 जनवरी 1995 को बना, ये ध्यान रखना। और 2 चीजें और ध्यान रखो इससे समझौते, 2 आपके महत्वपूर्ण राउंड है। एक तो बेटा उरुग्वे राउंड है, उरुग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका का देश है, जहां पर काफी लंबे समय तक बातचीत होती रही इसी चीज को लेकर। वहां पहले गैट होता था, 1947 में बना था, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये गैट एक आपका जो है एग्रीमेंट था, उसको और बेहतर करने के चक्कर में काफी लंबी बात हुई, लेकिन बाद में मामला जो है सुलझ नहीं पाया उरुग्वे में, और बाद में इसका जो अंतिम परिणाम निकला वो निकला मराकस में। कहां पर निकला? मराकस शहर है मोरक्को के अंदर। कहां पर है मराकस? मोरक्को के अंदर है, ध्यान रखना। यहां पर जाके फाइनली एग्रीमेंट हुआ, यानी कि फाइनली कंक्लूजन निकला, और जिसका निर्माण, इस कंक्लूजन का जो है रिजल्ट, जो इसका परिणाम था वो था आपका विश्व व्यापार संगठन। यानी कि मोरक्को जो देश है, इसमें मराकस जो शहर है, इसमें एग्रीमेंट हुआ 1994 में, ध्यान रखना। और इस 1994 के एग्रीमेंट के जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के रूप में देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? इसमें 164 देश है, ध्यान रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में है। तो ये सामान्य सी चीजें अगर आपको पता है तो विश्व व्यापार संगठन का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लियर होगी बात यहां तक? ऑल डन। चलिए अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ था, बताएं, फटाफट बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की बात हो रही है, केसीसी
किसान क्रेडिट कार्ड किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ था, जल्दी से बताएं। इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ था। यहां पर स्कीम्स में लिख देता हूं, मुख्य मुख्य स्कीमें हैं और ये आपका पंचवर्षीय योजना यानी कि प्लान लिख देता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल बन जाता है, सवाल आपका जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का बन जाता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सवाल बन जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सवाल बन सकता है। और बड़ा सवाल आपका जो है इसमें बन सकता है जैसे कि नरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक, इसका सवाल बन सकता है कि ये भैया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। सवाल आपका नई आर्थिक नीति जो 1991 की है, ठीक, इसका सवाल बन सकता है कि ये किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो यहां पर जो सही सवाल होगा वो क्या होगा बेटा, अलग अलग जवाब आ रहे हैं, कोई पांचवा प्लान बोल रहा है, कोई छठा बोल रहा है, लेकिन जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चे दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि आपको पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आपका आता है, कब आता है किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में सरकार किसकी होती है बेटा, जल्दी से प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो 1998 में प्रधानमंत्री थे, जिनके समय पर आपका किसान क्रेडिट कार्ड आपका जो है लॉन्च होता है। तो 1998 की घटना है, और 1998 की अगर घटना है तो मैं काम करता हूं ईयर्स इधर लिख देता हूं, ईयर्स जो है ना इधर लिख देता हूं और इधर लिखता हूं प्लान, इधर लिखता हूं मैं प्लान, ठीक है, इससे आपको क्लियर रहेगा। तो 1998 का केसीसी है, तो आपको याद होगा आठवां प्लान जो है हमारा वो 1992 से 97 का है, इसका मतलब नौवा प्लान जो है नाइन्थ प्लान वो होगा आंसर, क्या होगा बेटा, नाइन्थ प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक चलेगा, यानी कि 1998 सी के अंदर आ गया तो केसीसी आपका नौवे प्लान में आ जाए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो ये आपकी 2000 में होगी, यानी कि नौवे प्लान में ये भी आ जाएगा, नाइन्थ प्लान में ये भी आ जाएगा ग्रामीण सड़क योजना। मनरेगा की बात करें, मनरेगा 2005 का कानून है, 2005 तो ये किसमें आएगा बेटा, 2005 यानी कि दसवें प्लान में आ जाएगा, टेंथ प्लान हो जाएगा 2002 से 2007 तक। और नई आर्थिक नीति 1991 की है, तो बेटा इसमें 1991 में कोई प्लान नहीं है, आपको पता होगा 1985 से 1990 तक पंचवर्षीय योजना रहती है, 91 और 91 में कोई प्लान नहीं होता है, 92 से प्लान शुरू होता है। फिर भी अगर सवाल पंचवर्षीय योजना का पूछा जाए नई आर्थिक नीति में, तो यहां पर हम आठवां प्लान ही कंसीडर करते हैं, एट्थ प्लान ही आप कंसीडर करते हैं, कौन सा वाला, एट्थ प्लान, ये वाला एट्थ प्लान, ये वाला जो 92 से 97 वाला है, ठीक है बात। और नौवां कौन सा है, 97 से 2002 वाला, ऑल डन। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल ठीक है बेटा। 98 में बात हो रही है, तो 98 में कौन रहेंगे बेटा, याद रखना बेटा दसवां प्लान होगा, बेटा दसवां प्लान, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है बात। आप में कारगिल युद्ध होता है, और 1999 का कारगिल युद्ध जो होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर होता है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर होता है, ध्यान रखना। तो क्लियर होगी बात, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। प्रधानमंत्री 20 सूत्री कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना कौन सी है, पांचवी वाली, ध्यान रखना। एमरजेंसी कब लगी है, 1975 में लगी है, वो भी आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हरित क्रांति कब आई है, 1966-67 में आई है, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से श्वेत क्रांति कब आई है, 1970 में आई है, तो वो 1969-1974 वाला चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हो जाएगी श्वेत क्रांति। नीली क्रांति कब आई है, 1986 में आई है, तो ये कब बन जाएगा, ये आपका जो है 85 से 90 यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी नीली क्रांति वाला। इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यान रखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस स्थान को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है,
किस स्थान को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया, ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। सवाल बड़ा आसान है, सवाल बड़ा आसान है, लेकिन फिर भी ऐसे पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं पूछता है, ऐसे फैक्चुअल सवाल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो बताएं, जब भी हम बात करेंगे भारत की वित्तीय राजधानी की, तो यहां पर जो जवाब होगा वो होगा बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। वित्तीय राजधानी बॉम्बे, क्लियर है बात। और अगर हम बात करें, अगर हम बात करें भारत के सिलिकन सिटी का, तो आंसर होगा बेंगलुरु। ये भी सवाल पूछ लेते हैं, अगर हम बात करें भारत की सिलिकन सिटी का, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया या सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा आईटी सिटी कौन सा होगा, बेंगलुरु होगा, ये सवाल पूछ लेते हैं। या फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद का सवाल पूछ लेते हैं, अहमदाबाद आपका क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अहमदाबाद क्या है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और मैनचेस्टर शहर कहां पर है, इंग्लैंड में है, यूके में है, ब्रिटेन में है, तो वो आपका टेक्सटाइल के लिए फेमस है, और भारत का अहमदाबाद टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो उसको भी इस तरीके से हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपका औरैया, औरैया उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये प्लास्टिक के लिए काफी फेमस है, इसको प्लास्टिक सिटी बोलते हैं, प्लास्टिक सिटी ऑफ इंडिया। नोएडा, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका बॉम्बे। अगला सवाल, अगला सवाल है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कौन से देश कर रही थी, बताएं। यह सवाल आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, यह सवाल बेटा आपका स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और सवाल है फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश कर रहे थे, स्पेन और इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बताएं क्या होगा सही जवाब, फटाफट बताओ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किन दो देशों ने की है, किन दो देशों ने की है, किन दो देशों ने की है, क्योंकि ये हो चुका है, यानी कि यहां पर आपको ये बताना है, और विनर कौन है ये भी बता दो साथ में, क्योंकि ये हो चुका है ना, तो आपका इसके विनर भी बताना है और ये जगह का नाम भी बताना है, दोनों चीजें बता दो एक ही सवाल में, फटाफट बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अपूर्वा बेटा, शाबाश, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बिल्कुल सही जवाब है। इस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आपका जो है फीफा विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 देखने को मिला। इसमें अगर विनर की बात करूं बेटा, विनर, विनर की बात करूं तो विनर कौन है, विनर, विनर जो रहा है वो स्पेन रहा है, यानी कि विनर आपका स्पेन, स्पेन कौन है बेटा इसमें, विनर रहा है, ध्यान रखना, स्पेन कौन है, विनर रहा है इसमें, क्लियर है बात। प्रणाम धनंजय जी, प्रणाम बेटा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो हमारा स्पेन जो है विनर रहा है, और रनर जो रहा है वो आपका इंग्लैंड रहा है, रनर रहा है वो इंग्लैंड रहा है, इंग्लैंड रनर रहा है दूसरे नंबर पे, और विनर स्पेन रहा है, और ये जगह आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पैथोमीटर, पैथोमीटर इज यूज टू मेजर, पैथोमीटर का प्रयोग हम किस चीज को मेजर करने में करते हैं, भूकंप मेजर करने में करते हैं, वर्षा मेजर करने में करते हैं, सागर की डेप्थ गहराई मेजर करने में करते हैं, या साउंड की इंटेंसिटी, या साउंड की इंटेंसिटी, बताओ क्या होगा सही जवाब, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तो फटाफट बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा, क्या होगा सही जवाब। ओशियन की डेप्थ, बिल्कुल सही जवाब है, सागर की गहराई, सागर की गहराई नापने के लिए हम पैथोमीटर का प्रयोग करते हैं, दिस इज द राइट आंसर। और भूकंप के लिए बेटा, भूकंप के लिए आपका रिश्टर स्केल, ये तो सबको पता ही है, ठीक है, रिश्टर स्केल, और एक मर्कोलिग, मर्कोलिग भी आपको पता होगा, ठीक है। तो रिश्टर ही वैसे मुख्य रूप से आपको याद रखना है, यही ज्यादातर पूछा जाता है। और रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल के लिए बेटा कौन सा होता है, रेन गॉज, कौन सा होता है बेटा, रेन गॉज। ये सभी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। सागर की गहराई आपकी क्लियर हो गई, पैथोमीटर इज द राइट आंसर, क्लियर है बात। साउंड इंटेंसिटी, इसके लिए बताइए साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी की बात करें तो इसके लिए स्पीडोमीटर है, क्लियर है बात, साउंड के लिए स्पीडोमीटर है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका ये रहा, अगला सवाल है
वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट इज परफॉर्म्ड, वाइडल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, पोलियो के लिए या फिर कोलरा के लिए? बताएं फटाफट, बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल संजय बेटा, आप लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बेसिकली अर्थक्वेक की, अगर हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापते हैं तो फिर हमें स्केल पर जो है यूज करना होता है, उसके लिए आपका रिश्टर स्केल होता है, ठीक है। ऑल डन बेटा, चलिए तो यहां पर जो वाइडल टेस्ट आपका होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना टाइफाइड इज द राइट आंसर। और अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें बाकी टेस्ट के, तो वो आप देख लेना एक बार, एड्स के लिए एलिशिया टेस्ट होता है, ये मैंने बताया था आपको, पोलियो के लिए आपका फिंगरप्रिंटिंग होता है, पोलियो वायरस फिंगरप्रिंटिंग, और हैजा की बात करें तो इसके लिए डिपिस्टिक परीक्षण होता है, और टाइफाइड के लिए आपका बेडाल होता है। ये सवाल आपका अक्सर पूछ लेते हैं, ये वाला सवाल आपका अक्सर पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो सवाल कई बार आपके रिपीट हुए हैं, ये दो सवाल कई बार रिपीट हुए, इनको याद रखिएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बेटा बता देना। अगला सवाल, अगला सवाल है श्वाइन फ्लू की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? श्वाइन फ्लू की बात हो रही है, तो बताना है श्वाइन फ्लू किससे फैलता है, स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द इंफेक्टेड पिग, यानी कि जो संक्रमित पिग है उसके आसपास जो वायरस प्रेजेंट आपका रहता है उसके संपर्क में आने से। दूसरा बेटा, वायरस पार्टिकल प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द इंफेक्टेड ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन जो इंफेक्टेड है उसके सराउंडिंग से भी फैलता है, जैसे कि कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, इस तरीके से। और तीसरा बेटा है कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद द इंफेक्टेड पर्सन, एक ही बात है। तो यहां पर तीनों ही आपके जो है ट्रू आपको देखने को मिलते हैं, तीनों ही ट्रू आपको देखने को मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इज द राइट आंसर, तीनों ही आपके सही जवाब होंगे, तीनों ही आपके सही जवाब होंगे, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? बढ़े आगे, कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बेटा बता देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑल डन, चलिए इसमें आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बताया किस किस तरीके से ये रहता है, दैट इज H1N1, इसको तो आपको पता ही होगा, ये कई बार ना साइंस में सवाल जो आता है उसमें इसका इसका जो रिमार्क है वो भी पूछ लेते हैं, तो इसमें ध्यान रखना, इसका जो हम इंडिकेट करते हैं वो H1N1 से करते हैं, ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये पिक के कॉन्टेक्ट में आने में, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टेक्ट में आने से, या जो भी सराउंडिंग है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा कह सकते हो बड़ा सोर्स रहता है। नेक्स्ट है आपका, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना की गई है, यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय स्तर पर जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है? बताएं फटाफट से, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या होगा सही जवाब? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश में, मेडक में, एमएटी उत्तर प्रदेश में, गुरुग्राम हरियाणा में, कसौलगढ़ केरला में? फटाफट बताओ, व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा, क्या होगा सही जवाब? बार जल्दी से बताएं, क्या होगा सही जवाब? हरियाणा के गुरुग्राम में, याद रखना हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई है, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम, गुरुग्राम रहेगा बेटा, गुरुग्राम, गुरुग्राम इज द राइट आंसर, इसको गुरुग्राम बोलते हैं, और गुरुग्राम वैसे भी आपका फेमस है। अगर हम देखें भारत का, भारत का एकमात्र जो अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जिसका ऑफिस भारत में है, तो वो भी आपका गुरुग्राम में ही है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस जो आपको गुरुग्राम में देखने को मिलता है, याद रखना इंटरनेशनल सोलर अलायंस आपका कब बनता है? 2015 में बनता है, और ध्यान रखना COP21 का परिणाम है, याद रखना COP21 का परिणाम है, COP21 के टाइम पर, COP21 के टाइम पर पेरिस के अंदर भारत और फ्रांस ने अलग से एक मीटिंग की थी,
और उसी समय इन्होंने आईएससी का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस संस्थान ने मुख्य अर्थशास्त्री आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी की है? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट। ऑप्शन आपके सामने है IMF, ADB और WEF और वर्ल्ड बैंक। फटाफट बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बेटा बिल्कुल सही है अनामिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर, किस संस्थान ने चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? किस संस्थान ने, कौन सा संस्थान चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? ऑप्शन है IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और विश्व बैंक। बेटा आपके सामने आंसर दिख रहा है, बहुत तेज हो गई हो, आपके सामने आंसर दिख रहा है, इसीलिए बेटा ऑप्शन 3333333 कर रहे हो। समझ गए, हम समझ गए, ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये वाला मुझे अलग करना था, ये हिस्सा काट के अलग करना था, ये वाला गड़बड़ हो गया है ना। ये कोई गलत नहीं करेगा। चलिए वेरी गुड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द राइट आंसर। ध्यान रखना ये सवाल लाने का उद्देश्य क्या था, इस सवाल को लाने का उद्देश्य मैं बताता हूं। पहले तो मैं इस रिपोर्ट की प्रोजेक्शन बता देता हूं। ये जब रिपोर्ट आई थी तो इसका जो प्रोजेक्शन था वो ये था कि 2023 में ग्लोबल जो है मंदी आने वाली है। इस रिपोर्ट के आधार पर ग्लोबल मंदी की संभावना जताई गई थी, लेकिन उस स्तर पर, जिस स्तर पर संभावना जताई गई थी उस स्तर पर देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि दुनिया में पहले की तुलना में आर्थिक जो कह सकते हो वृद्धि हो सकती थी वो नहीं देखने को मिली। बट भारत इनमें अपवाद निकला, भारत ने वाकई में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया इस वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोजेक्शन है वो खरी नहीं हुई, खरी नहीं उतरी। तो याद रखना इस सवाल को लाने का पर्पज ये था, इस सवाल को लाने का पर्पज ये वाला था, इसके माध्यम से मैं सवाल लाया था कि इन सबको एक बार आप पढ़ लें, सारे लोग ध्यान से एक रिपोर्ट को देख लें। कई बार रिपोर्ट का सवाल पूछ लिया जाता है तो वो कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, आगे से आपको रिपोर्ट की दिक्कत नहीं होगी। अंक टाड जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उनका जिक्र मैंने यहां पर कर दिया, सारी महत्वपूर्ण रिपोर्टों का, ठीक है बेटा। तो देख लीजिए अंक टाड का मतलब होता है दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे इसको, कॉमर्स वाले बच्चों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये 1964 का संस्थान है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात हुई है अंकटाड के माध्यम से, UNEP सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी अगर मैं बात करूं UNEP की बात करूं तो ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, क्या है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, GEO, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक इसके माध्यम से आता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये करप्शन रिपोर्ट आपका रिलीज करता है, करप्शन इंडेक्स रिलीज करता है, कौन सा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की जो बात हो रही है, IMF जो है आपका विश्व आर्थिक आउटलुक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विश्व बैंक की हमने यहां पर दो रिपोर्ट्स लिखी हैं, दोनों महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ध्यान रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पिछले कुछ समय से रिपोर्ट ये पब्लिश ही नहीं हो रही है, रिपोर्ट न पब्लिश होने का कई कारण है, क्योंकि जो ये रिपोर्ट पब्लिश पहले हुई थी उसमें कई सारे सवाल उठाए गए थे इस पर, इसके आंकड़े को लेकर, इसके सोर्सेस को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं जब ये रिपोर्ट लास्ट पब्लिश हुई थी उसमें भारत ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी उस रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। इसके बाद WEF है जो हमें आंसर देना था, उस सवाल को लाने का पर्पज ये था कि आप ये सभी रिपोर्ट को अच्छे से समझ लें। ILO जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1919 को हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ज्यादातर संस्थानों का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। तो ये है आपका वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ये एक वो संस्थान है जो पूरे दुनिया में
जो है वर्कर को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता दूं, ये दुनिया का पहला संस्थान है, ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर पर चलता है। यानी कि ये आईएलओ जो है दुनिया का पहला संस्थान है जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर पर चलता है, यानी कि इसमें तीन पार्टी होती है। अधिकतर आप देखोगे संस्थान उसमें एक ही पार्टी होती है, वो है गवर्नमेंट, या दो पार्टी होगी तो उसमें एनजीओ और आपके जो अलग से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये होते हैं। लेकिन आईएलओ में तीन लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो जो कंपनी है, एक तो जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर नौकरी देने वाले, एक जो एम्प्लॉयर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक जो एम्प्लॉयज है उनकी जो ट्रेड यूनियंस होती है उनके प्रतिनिधि भी वहां होते हैं, और तीसरी जो सरकार है। यानी कि तीन लेवल पर यहां पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, और ये दुनिया की पहली संस्था है जो इस प्रकार का काम कर रही है, और ये पहले बनी है। यूनाइटेड नेशन तो 1944 में बनता है, 1945 में बनता है। यूएन कब बनता है? 24 अक्टूबर 1945। लेकिन ये उससे पहले बना है, 1919 का बना है, और इसके बाद सबसे अंत में है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ये रिपोर्ट जो आती है इसको वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, क्लियर होगी बात, ऑल डन है, इसको एक बार चेक कर लो और आराम से इसको पढ़ लो। अगला सवाल है आपका, हिंदी में भी है, हिंदी वाले हिंदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी का ले ले। अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा सही जवाब बताएं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, बताएं फटाफट से, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? अच्छा सवाल है बेटा, और भारत ने इस बार पहले से बेहतरी की है, पहले से इंप्रूवमेंट किया है भारत, पहले से भारत ने इंप्रूवमेंट किया है, ध्यान रखना, पहले से इंप्रूवमेंट किया भारत ने, ध्यान रखना, पहले से इंप्रूवमेंट किया है भारत ने। और इस बार जो भारत की रैंक आई है मैं आपको बता दूं, वो 80 रैंक है, 80th रैंक है, और इससे पहले जो रैंक थी भारत की वो 87 थी, तो 87 से हम 80th पर आ गई, तो ये एक इंप्रूवमेंट कह सकते हो आप, ये एक सुधार कह सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो इसका सही जवाब है 80। नंबर वन पे कौन आया है? नंबर वन पे कौन सी बेटा कंट्री रही है? नंबर वन पे जो कंट्री रही है वो आपकी सिंगापुर रही है, सिंगापुर नंबर वन पे रही है, ठीक है, सिंगापुर आपकी नंबर वन पे कंट्री रही है, देख लेना एक बार, क्लियर होगी बात, ऑल डन। इसको आप अगर पूरी रैंकिंग पढ़ना चाहें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर नंबर वन पे रहेगा, जर्मनी इटली स्पेन, ये आपके तीनों के तीनों दो देश हैं, ये जर्मनी इटली स्पेन, ये संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे रहे हैं, संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे रहे हैं, ध्यान रखना, क्लियर है बात, ऑल डन। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टॉप टू याद रख लो बस, बहुत है, टॉप टू याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। चलिए अगला सवाल है बेटा, निम्नलिखित में से किस देश ने 1 जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? बताएं क्या होगा सही जवाब। नीतीश बेटा हेनले एक बेटा एक एजेंसी है, ये एजेंसी है जो विश्व स्तर पर सभी कंट्रीज का अध्ययन करती है, खासकर इस चीज का अध्ययन करती है कि उनकी पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में उन देशों की क्या वैल्यू की गई है, ये सब कुछ डिपेंड होता है, जिन देशों के अंदर आपको लिबर्टी देखने को मिलती है, स्वतंत्रता देखने को मिलती है, जहां पर ज्यादा इशू नहीं है, चीजों को क्लियरेंस करने में अधिक दिक्कत नहीं आती है, उनके हिसाब से ये रैंकिंग करते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जनवरी 2024 से कक्षाओं में मोबाइल फोन, टैबलेट, स्मार्टफोन पर
कंप्लीटली प्रतिबंध लगाने वाला जो देश है वो कौन सा है? नीदरलैंड, फ्रांस, अमेरिका और इंडिया। बहुत बढ़िया बेटा, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। यहां पर जवाब है नीदरलैंड। क्या सही जवाब होगा? नीदरलैंड इज द राइट आंसर बेटा, नीदरलैंड इज द राइट आंसर, नीदरलैंड इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नीदरलैंड बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है आपका, दैट इज म्यांमार और दक्षिण चीन सागर तनाव पर चर्चा के लिए आसियान बैठक किस देश में हो रही है? थाईलैंड में, भारत में, चाइना में, इंडोनेशिया में? वैसे ये बैठक हो चुकी है, ठीक है, ये जब हमने सवाल बनाया था तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये बैठक हो चुकी है। तो आपको बताना है म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार दक्षिण चीन सागर तनाव पर चर्चा के लिए आसियान बैठक किस देश में हो रही है? सवाल के जवाब में आपको बताना है क्या रहेगा, थाईलैंड रहेगा, भारत रहेगा, चाइना रहेगा, इंडोनेशिया रहेगा। तो याद रखना इसमें भारत और चाइना तो वैसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आसियान के सदस्य नहीं है, ये दोनों ही आसियान के सदस्य नहीं है। अब बसता आपके पास थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो याद रखना बेटा इन सब चीजों में आजकल इंडोनेशिया ज्यादा हाथ पैर मार रहा है, तो इंडोनेशिया इज द राइट आंसर बेटा, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है बात? इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा समझ लो। आपको पता है जिस तरीके से साउथ चाइना सी का जो इशू चलता है, जिस प्रकार से चाइना जो है उन सभी देशों को जो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द देश है उन पर अपना प्रभाव जमाता रहता है और कई बार मनमानी भी करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसको लेकर, और जो म्यांमार में बहुत समय से इशू चल रहा है, आपको पता है मिलिट्री शासन चल रहा है, तो इसमें भी एक जो है काफी ज्यादा समस्या देखने को मिली। तो इन दोनों ही मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करने की मीटिंग की गई है, और ये काम किया है भारत, इंडोनेशिया ने ये काम किया है। और याद रखना आसियान की अगर मैं बात करूं तो आसियान संगठन 1967 में बना है, 1967 में बना है। कब बना है? 1967 में बना है। इसमें टोटल जो है 10 देश है। कितने देश है बेटा? 10 देश है। इन 10 देश में वो सारे देश है जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जिसमें म्यांमार शामिल है, थाईलैंड शामिल है, जिसमें लाओस शामिल है, जिसके अंदर तुम्हारा सिंगापुर, जिसमें तुम्हारा मलेशिया शामिल है, जिसके अंदर तुम्हारा फिलीपींस शामिल है, जिसके अंदर तुम्हारा जो है इंडोनेशिया शामिल है, जिसके अंदर तुम्हारा वियतनाम शामिल है, जिसके अंदर तुम्हारा कंबोडिया शामिल है, ये सभी देश, छोटे मोटे देश आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 10 है काउंट करके। क्लियर है बात? चलिए बढ़े आगे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी इशू हो तो बेटा बता देना। अगला सवाल, विच कंट्री पार्लियामेंट अप्रूवल अ बिल टू लिमिट द पावर ऑफ देयर सुप्रीम कोर्ट? कौन सा देश है जिसने वो बिल अप्रूव किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को नियंत्रित करेगा, लिमिट करेगा, सीमित करेगा? बताएं किस देश की संसद ने अपने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को ही सीमित करने का विधेयक मंजूर किया है? बताएं, बिल्कुल प्रियमदा बेटा, एकदम सही लिखा बेटा आपने, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब? किस देश की संसद ने अपने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? बताएं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पूर्वा ब्रुनेई हो गया, बहुत बढ़िया, कंबोडिया हो गया, बहुत बढ़िया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो यहां पर जो सही जवाब है वो है आपका इजराइल, इजराइल इज द राइट आंसर, ध्यान रखना यहां पर इजराइल आपका सही जवाब होगा। क्लियर है बात? ऑल डन, बढ़े आगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते, सवाल है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इससे पहले दो विश्व हिंदू सम्मेलन और हो चुके हैं, तो आपको बताना है शिकागो में, बैंकॉक में, दिल्ली में, या फिर काठमांडू में? बताएं, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? शिकागो, बैंकॉक, दिल्ली या फिर काठमांडू? बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, राम सेवक जी ने जवाब दे दिया है, संजय जी ने दे दिया, राज ने दिया है,
अर्जुन जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताएं, ध्यान रखना, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन की अगर मैं बात करूं, थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, तो इसका जो जवाब जाएगा वो जाएगा आपका बैंकॉक। क्या जाएगा? काठमांडू? काठमांडू नहीं है, बैंकॉक है। ठीक है, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो आप कभी कभी, हैं? चलिए, इसका जवाब बेटा ये देखो, दिल्ली। इसका जवाब बैंकॉक होगा, थाईलैंड होगा। क्या होगा? थाईलैंड, बैंकॉक। देख लेते हैं एक बार, वैसे यही होगा, बैंकॉक इज द राइट आंसर, थाईलैंड इज द राइट आंसर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसमें मैंने डिटेल भी दिए काफी, नहीं दिए इस बार, ओके कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेना बेटा, थाईलैंड होगा, बैंकॉक होगा, बैंकॉक होगा। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली नहीं बेटा, बैंकॉक होगा, क्योंकि इससे पहले दो हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो दो हो चुके हैं ना, एक शिकागो में हुआ है, शिकागो यानी कि अमेरिका में, और दूसरा आपका जो हुआ है वो हुआ है काठमांडू में, वो नेपाल में हुआ है। ठीक है, एक शिकागो में और एक काठमांडू में हो चुका है, ये तीसरा बैंकॉक में होगा, थाईलैंड में होगा। ठीक है, ऑल डन बेटा, फुल कॉन्फिडेंस, चलिए कोई बात नहीं, ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इकोनॉमिक सर्वे कहां लगा बेटा? यहां तुम्हें नेपाल के, नेपाल के पीएम किसे देखने को मिल रही है पिक? कहां रहते हो? ये हमारे योगी जी हैं और ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड हैं। इन दोनों लोगों को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। क्लियर है बात? अरे ना भाई, ना भाई, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अध्यक्ष हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री बना दोगे इनको? चलिए, क्लियर है बात, ओके। इन दोनों लोगों को इनवाइट किया, ये फोटो इसलिए लगी है, ये फोटो इसलिए लगी है, इन दोनों लोगों को निमंत्रण मिला है वहां जाने का। ठीक है, ये दोनों लोगों को निमंत्रण मिला है, और ये आपका ना 24-25 नवंबर के आसपास होगा, साइज 24 को होगा ये। ठीक है, देख लेना। हाँ जी बिल्कुल, मोहन भागवत आरएसएस चीफ है ये, आरएसएस चीफ। चलिए, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है बताएं? आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है बताएं, फटाफट बताएं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? याद रखना, याद रखना, आपके सामने चार ऑप्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राजस्व विभाग, व्यय विभाग और आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार बताएं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब बेटा? दिस इज द राइट आंसर, पहला इज द राइट आंसर। याद रखना, इनके मार्गदर्शन में होता है, इनके मार्गदर्शन में होता है, ध्यान रखना, CEA यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में होता है बेटा, ध्यान रखना, इनके मार्गदर्शन में होता है और तैयार यही करते हैं, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डील होता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आएगा, वित्त मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा बता देना। ऑल डन, क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़े आगे, अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, ये यहां पर आ गया था, ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा से, ओके बिल्कुल सही है, ये देखो, ये वही विश्व हिंदू कॉन्फ्रेंस है, इमेज गलत जगह पहुंच गई थी। ठीक है, ये मुझे इमेज आपको दिखानी भी थी, बट ये गलत जगह हो गई थी, कोई बात नहीं, अब देख लो। ये देखो, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है ये आपका 24 नवंबर से 26 नवंबर 2023 चलेगा, ध्यान रखना, और ये थाईलैंड में, बैंकॉक में आपको देखने को मिलेगा। और बेटा ध्यान रखना, भारत से योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी, ये तीनों लोगों को बुलाया गया है। इनको आपने सुना होगा, मां अमृतानंदमयी दक्षिण भारत से है, बहुत बड़ी संत है, और इसके अलावा आयोजक जो है वो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन है, ध्यान रखना, और बैंकॉक कन्वेंशन सेंटर थाईलैंड में ये आयोजन होगा। इससे पहले बेटा आपका एक तो दिल्ली में हुआ, एक शिकागो में हुआ, काठमांडू में नहीं हुआ, सॉरी, ये दो मैं जो बता रहा था ना, एक शिकागो अमेरिका में हुआ है, ध्यान रखना, और एक हमारा दिल्ली में हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, काठमांडू में नहीं, दिल्ली में हो चुका है। ये दो आपके पुराने हैं, ज्यादा पुराना वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वाला याद कर लो, बहुत है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हो जाएगा अब आपका ये आराम से।
इसमें लगभग 2500 हिंदू समुदाय बैंकॉक में जुटेंगे और इसमें जहां भी समुदाय की समक्ष अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट को 24 घंटे सातों दिन संचालित करने की अनुमति का निर्णय लिया है, संचालन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, बताएं क्या होगा सही जवाब, फटाफट बताएं व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट को 24 घंटे सातों दिन संचालित करने की अनुमति की बात की है, बताएं फटाफट बताइएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू परमिट ऑल रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्टेट टू ऑपरेट 24x7 टाइम्स, द आंसर इज हरियाणा। हरियाणा ने ये काम किया है, हरियाणा ने ये आपका काम किया, ध्यान रखना हरियाणा इज द राइट आंसर। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में इस तरीके का परमिशन देने वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। दक्षिण भारत में आपको कर्नाटक वगैरह भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ समय पहले कर्नाटक ने भी इस तरीके की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने पूरे कर्नाटक में नहीं दी थी, कुछ शहरों तक ही वो सीमित था, लेकिन हरियाणा ने पूरे हरियाणा में दे दी है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है, हरियाणा इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था आप किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि एवं उद्योग का सह अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, घरेलू और विदेशी उद्यमों का सह अस्तित्व, बताए व्हाट शुड बी द राइट आंसर बेटा, क्या होगा सही जवाब। मिक्स इकोनॉमी की इकोनॉमी का सवाल है, मिक्स इकोनॉमी का सवाल है बेटा। फटाफट बताओ व्हाट शुड बी द राइट आंसर। मिक्स इकोनॉमी का सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ध्यान रखना जहां पर सवाल आपका बेटा मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो वहां पर सवाल होगा जहां प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर आपके सह अस्तित्व हो, जैसे कि भारत, भारत में आपको निजी सेक्टर भी मिलेगा और सार्वजनिक सेक्टर भी मिलेगा। भारत के अंदर आप देखो गवर्नमेंट सेक्टर भी है जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, और आपको जो है प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है, तो हमारा सह अस्तित्व है, ध्यान रखना। हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था सही मायने में 1956 में लॉन्च हुए, 1956 में लॉन्च हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ है। तो कभी अगर सवाल आए, कभी अगर सवाल आए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना से मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, तो आंसर होगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्या आंसर होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें, मुद्रास्फीति का उच्च स्तर, उच्च बेरोजगारी, बहुत धीमी वृद्धि, विकास का उच्च स्तर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टैगफ्लेशन की विशेषता बताता है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो दो भागों में अगर तोड़ दें, एक स्टैग और एक फ्लेशन। फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, यानी कि महंगाई की बात हो रही है, और स्टैग, स्टैग मतलब स्टैगनेशन, स्टैगनेशन यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, आपकी अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, रुकी होने का मतलब कोई भी अर्थव्यवस्था स्ट्रेट नहीं होती है, रुकने का मतलब होता है हल्का सा उसमें गिरावट होना, यानी कि बहुत धीमी वृद्धि। तो याद रखना बहुत धीमी वृद्धि और जहां पर इन्फ्लेशन हो, महंगाई, ये दोनों स्थितियां किसकी होती हैं, स्टैगफ्लेशन की होती हैं। और याद रखना जहां पर अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, जहां पर महंगाई रुकी हुई है, आपकी अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था रुकी हुई है, इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है, रुकी हुई है, इसका मतलब उस देश का उत्पादन रुका हुआ है, उत्पादन रुका हुआ है। स्टैग्नेशन का मतलब उत्पादन रुका है या फिर उत्पादन आपका धीमी गति से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, ध्यान रखना। जहां पर उत्पादन रुका हो या वो धीमी गति से चल रहा हो, इसका मतलब होता है कि वहां पर ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रोजगार कम होगा, वहां पर रोजगार कम मिलेगा, और जहां पर रोजगार कम होगा, जहां पर रोजगार कम होगा, इसका मतलब वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कि उच्च बेरोजगारी होगी। तो ध्यान रखना पहला, दूसरा, तीसरा,
तीनों ही कंडीशन आपको स्टैगफ्लेशन में देखने को मिलती है। कौन सी कंडीशन? तीनों ही कंडीशन आपको स्टैगफ्लेशन में देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात? ये आपका सही जवाब होगा। ऑल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023 में चाइना और बांग्लादेश को पछाड़कर कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? कौन सा देश वित्त 2023 में चीन और बांग्लादेश को पछाड़कर कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है? यहां पर बात हो रही है गंतव्य की। ध्यान रखना, भारत से सबसे अधिक निर्यात यानी कि सबसे अधिक एक्सपोर्ट कहां पर होता है? याद रखना, अमेरिका में होता है, नंबर एक। नंबर दो पे भारत में सबसे अधिक इंपोर्ट कहां पर होता है? संयुक्त अरब अमीरात में होता है, नंबर दो पर। नंबर तीन, भारत का सबसे अधिक निर्यात चाइना में होता था, लेकिन अब वो जगह किसने ले ली है? वो जगह अब बेटा आपकी नीदरलैंड ले ली है। तो नीदरलैंड आपका तीसरे नंबर का हमारा सबसे बड़ा गंतव्य होगा, यानी कि निर्यात गंतव्य होगा। और चौथे नंबर पे आपका चाइना पहुंच गया है, और पांचवें नंबर पे बेटा हमारा बांग्लादेश भी है, यानी कि बांग्लादेश भी अच्छा खासा हमसे इंपोर्ट करता है। एक बात देख लो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा बता देना। क्लियर है सबको? ऑल डन बेटा। बढ़े आगे। चलिए, ये लेटेस्ट रहेगा आपका डेटा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक चीज और समझ लो, कभी आयात का भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा आयात हम कहां से करते हैं? हम चाइना से करते हैं, ध्यान रखना। ये तो हमने आयात और निर्यात पढ़ लिया। अगर कोई ये आपसे पूछे सबसे अधिक व्यापार हम कहां से करते हैं, तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम ये बोले सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कौन है, तो बेटा ध्यान रखना, अगर हम ट्रेडिंग पार्टनर बोलेंगे तो बेटा चाइना से आयात करते हो सबसे ज्यादा, और निर्यात करते हो अमेरिका से सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, निर्यात बेशक अमेरिका को आप सबसे ज्यादा करते हो, लेकिन आपकी जो वैल्यू वो आयात की ज्यादा है, यानी कि भारत आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है। बेटा भारत आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, इसीलिए भारत का भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट नकारात्मक रहता है। तो आंसर होगा चाइना, यानी कि सबसे अधिक व्यापार हमारा चाइना से होता है। क्यों? क्योंकि आयात की वैल्यू निर्यात की तुलना में काफी अधिक है। क्लियर होगी बात? ऑल डन बेटा, समझ में आ गई ये बात? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा बता दें। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपने ली। तो यहां तक था आज का हमारा सेशन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी इश्यू किसी भी बच्चे को हो तो बेटा बता देना। आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो जहां भी कोई भी दिक्कत लगे बता दिया करो। ओके बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए, ओके बाय।